जय हिंद। मैं जीतू फौजी, एमडी एंड चीफ इंस्ट्रक्टर चार्ली एकेडमी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्मी में किन किन पदों पर भर्ती होती है, कितने तरीकों से भर्ती होती है, मतलब कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसका स्कोप यानी कि कितना आगे तक बढ़ सकते हैं। आर्मी में तीन रैंकों पर भर्तियां होती हैं। पहला ऑफिसर्स रैंक पर, जो कि कमीशन ऑफिसर्स होते हैं। दूसरा जेसीओ, जो कि जूनियर कमीशन ऑफिसर्स कहलाते हैं। और तीसरा सिपाही पद होता है, जो कि ओआरस यानी कि अदर रैंक्स के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑफिसर्स रैंक पर आर्मी में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आर्मी रैंक्स पर जाने के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं, जिसमें जो प्रमुख है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है एनडीए, एनडीए के थ्रू, मतलब कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसके अंदर साल में दो बार एग्जाम होते हैं। कैंडिडेट की उम्र 16.5 साल से लेकर के 19 साल तक की होती है और क्वालिफिकेशन 12th पास या फिर 12th क्लास में होना अनिवार्य होता है। दूसरा है CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जो ग्रेजुएशन लेवल पर होती है। इसमें कैंडिडेट का किसी भी डिग्री से फाइनल ईयर या पास होना अनिवार्य होता है और इसका उम्र 19 साल से लेकर के 23 साल होता है। और तीसरे नंबर पे होता है TES यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसके थ्रू जाने के लिए कैंडिडेट 12वीं पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 70% इसके अंदर अनिवार्य होता है और एज लिमिट इसके अंदर 16.5 साल से लेकर के 19.5 साल की होती है। और बात करते हैं हम चौथे नंबर पे UES यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। इसके थ्रू सिर्फ बीटेक वाले जो बच्चे होते हैं वो इसके अंदर एंट्री मारते हैं और इनकी एज लिमिट होती है 18 साल से लेकर के 24 साल। और पांचवा है TGC, मतलब कि टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। इसके थ्रू टेक्निकल से जो ग्रेजुएट होते हैं वही इसके अंदर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और इनका जो एज लिमिट होता है वो होता है 20 साल से लेकर के 27 साल तक। सिर्फ TGC को छोड़कर बाकी सभी में अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं और TGC में कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एक ऑप्शन और भी है, जो SSC यानी कि शॉर्ट सर्विसेज कमीशन होता है। इसके थ्रू जाने के लिए भी टेक्निकल डिग्री होना अनिवार्य है और उम्र 20 साल से लेकर के 27 साल होना जरूरी है। इन सभी से आप ऑफिसर्स रैंक पर लेफ्टिनेंट के पद पर जा सकते हैं और लेफ्टिनेंट के पद से जनरल तक प्रमोट हो सकते हैं आप। मतलब कि जिस पोस्ट पर अभी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं, इन सभी का सर्विसेज पीरियड 60 साल तक होता है, लेकिन 1 से 2 साल ऊपर नीचे हो सकता है जरूरत के हिसाब से। अब बात करते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की, मतलब कि JCO लेवल की। JCO लेवल पर आप धर्मगुरु के तौर पर आप आर्मी के अंदर जा सकते हैं और इसके अंदर आप नायक सूबेदार के पद पर आप डायरेक्ट आर्मी के अंदर ज्वाइन करते हैं। JCO पद में जाने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी होता है। हिंदू धर्मगुरु के लिए संस्कृत से ग्रेजुएशन के साथ साथ आचार्य होना भी अनिवार्य है और मुस्लिम धर्मगुरु के लिए भी उर्दू से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य होता है और उसी तरीके से सिख और ईसाई के लिए भी उनके धार्मिक भाषाओं से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य होता है। और इसकी सर्विसेज भी 60 साल तक की होती है और इसके अंदर नायक सूबेदार से कोई भी बंदा इस पद पे आता है और वो लास्ट में प्रमोट होकर के आखिरी ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट तक जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की और सबसे ज्यादा भर्ती होने वाले पोस्ट की बात करते हैं, यानी कि सिपाही ओआरएस रैंक, जिसको अदर रैंक्स या फिर नॉन कमीशन भी हम लोग कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आर्मी में सबसे ज्यादा जो भर्ती होती है वो होती है सिपाही पद की, मतलब कि लगभग 90% की भर्तियां इसके अंदर इंक्लूड होती है और 9% ऑफिसर्स रैंक की होती है और मात्र सिर्फ 1% JCO रैंक की भर्ती होती है आर्मी के अंदर। और आर्मी में जाने के लिए सिपाही पद पे जो भर्ती होती है वो सबसे आसान तरीके से होती है। इसमें आर्मी GD यानी जनरल ड्यूटी, TDN यानी कि ट्रेड्समैन, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल, आर्मी जैसे ट्रेड्सों की भर्ती होती है। इसके थ्रू भर्ती होने की जो प्रक्रिया है, इसमें सबसे पहले आता है आर्मी रैली भर्ती, मतलब कि इसको खुली प्रतियोगिता या खुली भर्ती भी बोला जाता है। और दूसरे नंबर पे आपका रिलेशन भर्ती, जो कि इसके अंदर ओनली सिर्फ जो आर्मी में जॉब करते हैं वो ब्लड रिलेशन वाले ही बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती, जो सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही होती है। तो अब जानेंगे हम रैली भर्ती के बारे में। रैली भर्ती IRO, ZRO, BRO और IRO के द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि पूरे भारत में सभी डिस्ट्रिक्टों के लिए आयोजित किया जाता है। ये साल में 1 या 2 बार रिक्वायरमेंट के आधार पर यह भर्ती निकाली जाती है। इसमें अप्लाई करने के लिए जो भी कैंडिडेट होते हैं उनका 10वीं पास होना अनिवार्य होता है और इनका उम्र जो होता है वो 17.5 साल से लेकर के 23 साल तक होता है।
और बाकी शारीरिक मापदंड जो अन्य ट्रेड होते हैं उनके हिसाब से इनका इसके अंदर लिया जाता है। दूसरे नंबर की भर्ती होती रिलेशन भर्ती। ये भर्ती सेंटर के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसके अंदर सिर्फ आर्मी में जो जॉब कर रहे होते हैं वो या फिर जो एक्स आर्मी हो जाते हैं उनका भाई या बेटा ही इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। मतलब कि इसके अंदर सिर्फ ब्लड रिलेशन वाले बच्चे ही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई नॉर्मल रैली वाला कोई बच्चा इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जिसके पास या तो उनके फादर या कोई ब्रदर आर्मी में जॉब पहले से ना कर रखे हों। और तीसरा स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती। इस तरीके की भर्ती में सिर्फ खिलाड़ी ही भाग ले सकते हैं जो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर खेले हों और उनके पास किसी भी ऑथराइज स्पोर्ट्स फेडरेशन का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होता है। ये तो था भर्तियों के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सिपाही से हम लोग प्रमोट होकर के कहाँ तक जा सकते हैं। एक सिपाही प्रमोट होकर के मतलब कि जो व्यक्ति जो कैंडिडेट एक सिपाही पद पर इंडियन आर्मी को ज्वाइन करता है वह सूबेदार मेजर या फिर आखिरी उसका ऑर्डिनरी कैप्टन तक भी वो बन सकता है। इसकी सर्विसेज जो उसका रैंक होता है उसके हिसाब से 17 साल या फिर 32 साल तक वो अपने सर्विस के हिसाब से या अपने रैंक के हिसाब से वो अपनी नौकरी वहाँ पर करता है। एक भर्ती और होती है जो इन भर्तियों से अलग होता है जिसके थ्रू से आप इंडियन आर्मी के अंदर जा सकते हैं। इन भर्तियों से बिल्कुल वो अलग भर्ती होती है, वो है स्पोर्ट्स सम्मानित भर्ती, जो खिलाड़ी को सम्मान के रूप में दिया जाता है। जैसे मेजर ध्यानचंद, मेजर राज्यवर्धन राठौर और महेंद्र सिंह धोनी, आपने देखा होगा कि ये इंडियन आर्मी के अंदर डायरेक्ट मतलब कि इन्होंने एंट्री मारी है और इनको एक ऑफिसर्स रैंक में इंडियन आर्मी के अंदर एक पद दिया गया है। इस वीडियो से आपको बहुत हद तक आर्मी में भर्ती होने का प्रोसेस समझ में आ गया होगा और यदि इस वीडियो से जुड़ी कोई भी बात आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट्स करें और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।